हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कैसे भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का आज रामनवमी की शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, साथ ही नवरात्रि में भी आज माता दुर्गा की आराधना समाप्त हो जाती है। तो इस नवरात्रि के पावन अवसर और भगवान श्री राम के जन्म के इस शुभ अवसर पर आप तमाम विद्यार्थी का एक बार पुनः अभिनंदन। विद्यार्थी, जैसा कि ज्ञात है कि कल बीते हुए कल में हम लोग राज का नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन वो टॉपिक अधूरा रह गया था क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा था। तो मैंने बताया था कि इस वीडियो को कल आने वाले समय अर्थात आज मैं पूरा करूँगा। एक बार थोड़ा सा कल जो बतलाया गया था उसको हम रिवाइज कर देते हैं। कल बतलाया गया आपको कि संविधान का आदर्श राज का नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है। भारतीय संविधान का दर्शन राज का नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसकी जानकारी राज का नीति निर्देशक तत्व से मिलती। इत्यादि चर्चा विस्तार से की। साथ ही कल आपको बताया गया विगत क्लास में कि अनुच्छेद 36 में राज की परिभाषा है। राज से तात्पर्य भारत और उसके संपूर्ण संघ राज क्षेत्र, उसके द्वीपीय क्षेत्र और तमाम सरकार की तमाम प्रकार का प्राधिकार जिसे उत्तरदायित्व का पूर्ण कार्य दिया गया है, वो सभी राज्य के सीमा में आते हैं। अनुच्छेद 37 कल बतलाए थे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 37 में है। यह भारत सरकार या सरकार के इच्छा शक्ति एवं आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 38 कहता है राज सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की वातावरण को उपलब्ध कराने के लिए लोगों को लोक कल्याण जिससे कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पर नागरिकों में समानता आए उसके लिए विधि नियम कानून का निर्माण करे। लोक कल्याण शब्द का प्रथम बार प्रयोग यही किया गया है। अनुच्छेद 39 में आपको कई 5 पॉइंट बतलाए थे, जिसमें चलिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से कि राज स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दे, जो 39 का चौथा पॉइंट। साथ ही 39 का ए बतलाया गया कि राज सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, अर्थात किसी की अज्ञानता किसी की गरीबी किसी की अशिक्षा के कारण उसके साथ अन्याय नहीं हो, राज इसका प्रबंध करे। इसलिए प्रत्येक जेल में न्यायालय वहां वकील को नियुक्त करता है। यदि कोई गरीब है तो न्यायालय उसे निशुल्क मुकदमा लड़ने के लिए वकील की सुविधा देता है। यही कथा अनुच्छेद 39A। अब ध्यान रखिएगा जहां भी कैपिटल ए है अर्थात वो मूल संविधान में नहीं था बल्कि उसको ऐड किया गया है, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज के विचारधारा को लागू करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन करे। कल बतलाए थे कि इस पर दो प्रकार की विचारधारा थी, जहां महात्मा गांधी और उनके पक्षधर का मानना था कि ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन देश के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बेहद जरूरी है और ग्राम पंचायत को लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला कहा जाता है, जहां विकास के प्रति लोगों में स्वयं भागीदारी और स्वयं जागरूकता है। दूसरा विचार दिए थे उसके समर्थक थे भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने माना कि ग्रामीण अवस्था जो कुछ इस प्रकार की, उसमें जड़ता आ चुकी है, शिथिलता आ चुकी है, वहां पर किसी प्रकार की नई सोच नई विकास की अवधारणा को तैयार करना ही मुश्किल है। जहाँ जातिवादी संकीर्णता जातीय श्रेष्ठता की भावना को इस कदर हावी हो गई है वहाँ विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और तीसरा पहलू बतलाए जयप्रकाश नारायण का बारे में। उन्होंने कहा कि इसे ग्रामीण ग्राम स्वराज को ग्राम पंचायत को राजनीतिक दलों की भागीदारी से बचा कर रखा जाए, उसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी को व्यवस्थित न किया जाए। साथ ही कल अनुच्छेद 41 तक आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए। इसे बतलाए इस 6 प्रकार की सामाजिक आकस्मिकताएं में
पांच प्रकार की आकस्मिकता को पूरा करने के लिए, गरीबी, बेरोजगारी, विकलांगता, दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था इत्यादि के समय नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मिले, इसका प्रबंध अनुच्छेद 41 में किया गया था। कल बतलाए कि मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे 2005 में नरेगा के रूप में शुरू किया, ये संसद ने पास किया और 2 फरवरी 2006 को नरेगा के रूप में आंध्र प्रदेश के बंदलापल्ली से इसे लागू किया गया, अनंतपुर जिला का बंदलापल्ली गांव से लागू किया गया और 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो मनरेगा सहित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा बीमा इसी से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ तक कल हम लोग पढ़ा चुके थे, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको दे दी गई। अब इससे आगे हम लोग को अध्ययन करना है। संविधान का अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य माँ बनने वाली महिला, जो महिला माँ बनने जा रही है, उस महिला को जॉब में सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, चिकित्सीय सुविधा का प्रबंध हो और तमाम प्रकार की उसकी मानसिक, उसकी बौद्धिक स्तर पर को प्रभावित न करने वाली विधि का निर्माण राज्य करे, उसके साथ किसी प्रकार की भेदभाव न हो। और इसके लिए 42वां अनुच्छेद 42 के लिए अलग से 1961 में एक संविधान में एक अधिनियम बनाया गया, जिसे कहा गया मातृत्व हित लाभ अधिनियम, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961, कि महिला को क्या क्या सुधार, क्या क्या अवस्था मिलनी चाहिए, उनके कल्याण के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया। फिर अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य, महात्मा गांधी का स्वप्न था कि मजदूरों का, श्रमिक का सम्मान होना चाहिए। श्रम तीन प्रकार का होता है, प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना होता है। मैं पढ़ा रहा हूं ये भी श्रम है, आप पढ़ रहे हैं वो भी श्रम है। तो एक कहा गया है इकोनॉमिक्स में उसे रेड कॉलर, जो शारीरिक श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ईंट भट्ठा मजदूर पर काम करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर कूली का काम करते हैं, उसे रेड कॉलर कहते हैं। हम लोग यहाँ अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं, कल आप क्लर्क बनोगे, कंप्यूटर पर काम करोगे, वह कहलाता है ब्लू कॉलर। और जो मैनेजमेंट संभालते, चाहे वो परमानेंट विधायक, परमानेंट कार्यपालिका आईएएस आईपीएस हो या टेम्पररी कार्यपालिका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, जो प्रशासन, जो मैनेजमेंट को संभालते हैं, उसे व्हाइट कॉलर कहते हैं। तो काम तो प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे वो रेड कॉलर हो, ब्लू कॉलर हो या व्हाइट कॉलर हो। तो श्रम को सम्मान मिले, श्रम के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए, समानता का अधिकार। हाँ ठीक है, काम करेगा सब लोग एक बराबर वेतन नहीं प्राप्त करेंगे, एक प्रकार का ओहदा प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उन्हें किसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जो कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है भारत रत्न पुरस्कार, जब मुख्यमंत्री बने तो उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले क्या था कि जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी थे, जो चपरासी थे, उन्हें सचिवालय में सीढ़ी से ऊपर जाना होता था, उनके लिए क्या उसको बोलते हैं लिफ्ट, उनको लिफ्ट पर चढ़ने की सुविधा नहीं थी। ठीक है, काम की प्रकृति अलग अलग होगी, लेकिन आईएएस लिफ्ट पर जाए, चपरासी सीढ़ी पर, तो उन्होंने उसको रोका, कहा सभी व्यक्ति, चाहे वो आईएएस हो या चपरासी हो, सभी व्यक्ति लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो काम की प्रकृति अलग अलग हो, लेकिन उसके कार्य की प्रकृति के आधार पर उसके साथ असम्मानजनक व्यवहार नहीं हो, उसे निर्वाह मजदूरी मिले, उसे इतनी मजदूरी मिले जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन निर्वाह हो सके, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 43 में। फिर अनुच्छेद 43 में संशोधन करते हुए जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 43A कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित, जहाँ प्रबंध है, जहाँ बड़ी बड़ी मैनेजमेंट है, जहाँ अरबपति है अडानी और मुकेश अंबानी, रतन टाटा जैसे व्यक्ति, इन्फोसिस नारायण मूर्ति जैसे व्यक्ति, अजीम प्रेम जी जैसे व्यक्ति, तो वहाँ मजदूरों का शोषण नहीं हो, क्योंकि उनके पास बहुत आर्थिक और राजनीतिक क्षमता होती है। तो प्रबंध में मैनेजमेंट को भी, प्रबंध में श्रमिक के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए, इसी अनुच्छेद 43 में है। कुटीर उद्योगों का विकास हो,
महात्मा गांधी का स्वप्न था कि हर हाथ में काम हो, हर हाथ हुनरबंद हो, विद्यार्थी को व्यवहारिक शिक्षा दिया जाए। जो आप खाली बैठे हुए हैं, फिर अभी किसान कृषक वर्ग लगभग गेहूं कट चुका होगा, राई मसूर खेत में आज अब उनके पास 2-3 महीना कोई काम नहीं, उस वक्त जो है वो कुछ बौद्धिक काम, कुछ सृजनात्मक काम, कुछ रचनात्मक काम करें, छोटे मोटे व्यवसाय, कुटीर उद्योगों, घर बैठे लोग अपनी कुछ ऐसा उत्पादन का काम करें जो उनकी भी आवश्यकता पूरा करे, आर्थिक भी आवश्यकता और समाज में उत्पादन की प्रक्रिया को बनाए रखे, तो राजकुटीर उद्योगों का विकास करे। फिर 43B में जोड़ा गया 97, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा और 97वां संविधान संशोधन के द्वारा महात्मा गांधी के विचारों को इसमें समाहित किया गया कि राज्य सहकारिता को ऑपरेटिव, अर्थात जो कुटीर उद्योग के लिए आपसी सहयोग के आधार पर उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, उस सहकारिता कोऑपरेटिव सिस्टम को आगे बढ़ाने का प्रबंध राज्य करे। अनुच्छेद 44 काफी चर्चित रहा है, कॉमन सिविल कोड। ये गोवा और सिक्किम, ये केवल एक राज्य गोवा को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य में लागू, अभी भी बहुत सारे कानून जिसे बनाए पहले से बना था अंग्रेजों के काल में ही, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सिख पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ, वो क्या कम था, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भीम राव अम्बेडकर ने जोड़ दिया हिंदू कोड भी, और उसमें 4 कानून बना दिया। तो धर्म के आधार पर एक तरफ संविधान निर्माता जवाहरलाल नेहरू भीम राव अम्बेडकर लिखते हैं कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो, लेकिन खुद कानून बनाते हैं तो कानून का नाम देते हैं हिंदू कोड भी, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो अपने द्वारा बनाए गए कानून की स्वतः अवहेलना करना शुरू करते हैं। तो राजनीतिक लाभ और हानि हमारी आज़ादी के साथ ही राजनीतिक दलों में वो इस प्रकार से पैठ जमा चुका कि आज तक हर काम के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ और हानि की भावना होती है। तो अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता को लागू करे, अर्थात सबों के लिए धार्मिक कानून नहीं बल्कि सबको लिए एक विधि का कानून हो। विवाह के लिए ठीक है पंडित जी मंत्र पढ़े, मौलवी साहब जो भी अपना उनका है वो पढ़े, ईसाई का अपना हो, लेकिन पति पत्नी का अधिकार बराबर हो, पिता पुत्री या भाई बहन का जो अधिकार, सभी को एक समान कानून लागू हो। जो अभी आदिवासियों के लिए कुछ अलग कानून है, हिंदू में भी आदिवासी हिंदू का ही अंग होते, उसमें भी कुछ अलग व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को जब लागू करने के बाद तो और उभारा जाता है ताकि हमारे इस देश में ये व्यवस्था लागू ना हो, ये गोवा को छोड़कर शायद उत्तराखंड में लागू हो जाए, तो गोवा और भविष्य में उत्तराखंड दो राज्य से हो सकते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है, इसमें भी संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। शुरू में था कि राज 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करे। उसे 86वां संविधान संशोधन में जब संविधान में 21A को जोड़ा गया और दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, तब यहाँ जो है कर दिया गया जो था कि 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, उसे कर दिया गया 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का राज प्रबंध करे। तो यहाँ पर भी संशोधन हुआ। उसके बाद चलिए अनुच्छेद 46 कहता है राज सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, उस पिछड़ा वर्ग को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, जो पिछड़ापन का कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, शैक्षणिक कारण है, राज उस कारण का निदान करते हुए उसे भी समानता स्वतंत्रता का बोध उसमें लाए, उसमें भी अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करने का अवसर उपलब्ध हो। कहीं कहीं जो आरक्षण का प्रावधान है तो उसमें अनुच्छेद 46 का भी महत्वपूर्ण रोल है। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज सभी नागरिकों को पौष्टिक आहार, पोषाहार, आप देखते हैं इसके तहत बना हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में लागू हुआ, और अभी आपने देखा प्रधानमंत्री घोषणा पत्र में आया कि भाई 80 लाख या 80% लोगों को हम प्रत्येक माह भोजन देते रहेंगे। तो वहाँ पर जो ये जो सुविधा है वो इसी के तहत है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न की आवश्यकता,
भुखमरी की समस्या कहीं नहीं हो। तो अनुच्छेद 47 कहता है, राज्य सभी नागरिकों को पौष्टिक आहार, पोषाहार और स्वास्थ्य सेवा चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएगा। क्योंकि कोरोना काल आया तो सभी को निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध हुई, पोलियो की निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध रही, तो ये तमाम प्रकार की स्वास्थ्य सेवा नागरिकों को उपलब्ध हो, ये अनुच्छेद 47 इसी के तहत कहता है। महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए कि राज अपने नागरिकों को जो उनके स्वास्थ्य को प्रतिकूल असर डालता है, जो उनकी मानसिक बौद्धिक और स्वास्थ्य को प्रतिकूल असर डालता है, वैसे नशीला पदार्थ, वैसे मादक पदार्थ के सेवन से उसे रोकने का प्रबंध करे। तो बिहार सरकार ने जो मद्य निषेध को लागू किया इसी अनुच्छेद 47 के आधार पर, अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि का विकास करे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्नति लाए। तो हरित क्रांति आया हो या श्वेत क्रांति हो या रजत क्रांति हो, पीली क्रांति हो या नीली क्रांति हो, सभी कहीं कहीं इसी अनुच्छेद 48 से जुड़ा हुआ है। राज्य कृषि का विकास करे और दूध देने वाली पशुओं को संरक्षण प्रदान करे, दूध देने वाली पशुओं को राज्य संरक्षण प्रदान करे, उसे संरक्षण दे ताकि जो भी दूध देने वाली बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, उसे सुविधा, उसे संरक्षण दिया जाए। अनुच्छेद 49 कहता, 48 का ए कहता है, अब ए है जाहिर सी बात जोड़ा गया है बैल समाज संविधान संशोधन के द्वारा, कहता 48 से कि राज प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण स्वच्छता पर्यावरण, जैसे आप देखते हैं सारा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित है, वो जो उन परिच्छेद से वैश्विक उष्णता से प्रभावित हो रही है, यहाँ पर व्यवस्था है कि राज प्राकृतिक पर्यावरण हरियाली 33% पर वन क्षेत्र चाहिए, उसके लिए अलग से 1972 में वन संरक्षण अधिनियम को पास किया गया, 1973 से बाघ संरक्षण अधिनियम को पास किया गया, 1992 से हाथी संरक्षण अधिनियम को पास किया गया, तो कई कानून का निर्माण किया गया। 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक, ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रीय स्मारक जो हमारी राष्ट्र की धरोहर है, चाहे ताजमहल हो या एलोरा की गुफा हो, एलिफेंटा गुफा हो या खजुराहो का मंदिर हो, फतेहपुर सिकरी का मकबरा हो, फतेहपुर सिकरी हो या दिल्ली का जामा मस्जिद, जो भी हमारी राष्ट्र की धरोहर है, उसकी सुरक्षा, उसके संरक्षण के लिए हम काम करें, उसे उसी रूप में बनाए रखें ताकि अतीत में हमारी विकास, क्योंकि विकास के लिए कहीं कहीं अतीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतीत के गौरवपूर्ण क्षण से अपने नागरिकों में उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज कर सकें। अनुच्छेद 50 कहता है, राज कार्यपालिका अर्थात सरकार, न्यायपालिका अर्थात कोर्ट के बीच शक्ति का स्पष्ट पृथकीकरण पावर ऑफ सेपरेशन का सिद्धांत को लागू करे, पावर ऑफ सेपरेशन का सिद्धांत को राज लागू करे। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक कानून की आत्मा स्पिरिट ऑफ लॉ में पहली बार शक्ति का पृथकीकरण पावर ऑफ सेपरेशन का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत को सबसे पहले अमेरिका में 1789 में लागू किया गया। यहाँ यही कहता है, पावर ऑफ सेपरेशन कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन का प्रबंध करे, दोनों में तनाव, दोनों में टकराव, श्रेष्ठता की भावना का टकराव नहीं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 51 कहता है कि राज अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, वैदेश विदेश नीति को इस प्रकार से स्थापित करे कि वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत को लागू हो, हम भी खुशी से रहें, सुख संपन्नता के साथ रहे, पड़ोस में भी संपन्नता बनी रहे, जब आवश्यकता हो कोरोना संकट जैसे हो सभी देश आपस में मिलकर काम करें, ऐसी नीति का निर्माण करें। इस प्रकार से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का हर एक अनुच्छेद के बारे में आपको विस्तार से बतला दिया गया। राज्य का नीति निर्देशक तत्व में अब तक रहे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान संशोधन, 4 बार राज्य का नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 39A, 43A,
48 ए को जोड़ा गया। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये था 42वां संविधान संशोधन, ये है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 38 में कहा गया कि राज्य आर्थिक तौर पर जो सामाजिक समानता का लाने का प्रबंध करे, उसमें व्यक्ति नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर, सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर आर्थिक समानता आए, आर्थिक न्याय हो, उसका प्रबंध करे। फिर 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन करते हुए दिया गया कि राज 14 वर्ष तक के बालकों की जगह जोड़ा गया, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करे। और 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 43B को जोड़ा गया और कोऑपरेटिव सहकारिता प्रणाली को लागू करे। इसमें जो है ध्यान रखना है, इसमें 86वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार में 21A को जोड़ा गया और 97वां संविधान संशोधन में 19 में ही सी नंबर पॉइंट में थोड़ा सा और जोड़ा गया। सहकारिता कोऑपरेटिव का उल्लेख अनुच्छेद 19C में भी किया गया। इस प्रकार से 4 संशोधन, 42वां, 44वां, 86वां और 97वां संविधान संशोधन राज्य का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। राज्य का नीति निर्देशक तत्व को मैं विगत क्लास में मैंने बतलाया कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व को 3 कैटेगरी में, 3 अलग अलग भाग में विभाजित करते हैं। एक कैटेगरी होता है समाजवादी, हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था रही, मिश्रित अर्थव्यवस्था रही। उस अर्थव्यवस्था के समाजवादी आप आज़ादी के पूर्व से देखते हैं, 1934 में पटना में ही जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने बनाया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो उन समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर राज्य का नीति तत्व में अनुच्छेद 38 राजनीतिक सामाजिक आर्थिक कल्याण, सामाजिक न्याय का प्रबंध हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। 39 कहता है, 39 का सभी पॉइंट टोटल, जो अनुच्छेद 39 का पहला पॉइंट कहता है कि राज्य स्त्री और पुरुष दोनों को उसकी योग्यता, उसकी कार्य क्षमता के आधार पर रोजगार के काम की तलाश करने का समान अवसर उपलब्ध कराए। 39 का दूसरा पॉइंट कहता है कि राज्य धन और संपत्ति के असमान वितरण को कम करने का प्रबंध करे। तीसरा पॉइंट कहता है राज्य धन और संपत्ति को कुछ लोगों तक सकेंद्रित, कुछ लोगों तक केंद्रित होने से रोकने का प्रबंध करे। चौथा पॉइंट कहता है राज्य स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रबंध करे। पांचवा पॉइंट कहता है राज्य बालकों सहित स्त्री पुरुष की मानसिक, उसकी बौद्धिक स्तर को देखते हुए उसके साथ व्यवहार करे, उसे उचित स्वस्थ वातावरण की सुविधा उपलब्ध हो सके। अनुच्छेद 41 गरीबी, बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, विकलांगता जैसी आकस्मिकताओं की अवस्था में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। अनुच्छेद 42 लोगों राज्य मातृत्व लाभ, महिलाओं को समानता का बोध उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 43 राज्य, अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य सभी नागरिकों को कुटीर उद्योगों की सुविधा को उपलब्ध कराने का प्रबंध करे। राज्य श्रमिक को शोषण से बचाने का प्रबंध करे। अनुच्छेद 43 से प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी अर्थात मैनेजमेंट में मजदूर संघ का प्रतिनिधि हो, उसका प्रबंध करे। अनुच्छेद 47 राज्य सभी नागरिकों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवा अर्थात जो उत्पादन का जो क्षेत्र है उसमें सबों की भागीदारी हो, वह भागीदारी कुछ का नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए हो। ये समाजवादी विचारधारा अनुच्छेद 38, 39, 41, 43, 42, 43, 45 और 47 गांधीवादी विचारधारा, महात्मा गांधी की विचार को शामिल किया गया। अनुच्छेद 40 राज ग्राम पंचायत का गठन करे। 43 राज कुटीर उद्योगों का विकास करे। 43B राज कोऑपरेटिव सहकारिता, राज कोऑपरेटिव सहकारिता अर्थात लोगों के साथ सामूहिक विकास के लिए काम करे। अनुच्छेद 46 राज समाज का पिछड़ा वर्ग, चाहे वो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, समाज के जो सर्वोदय का विचार था कि समाज के सबसे निम्न वर्ग को उत्थान के लिए राज कार्य करे। 47 राज मद्य निषेध की नीति को लागू करे, नशीला पदार्थ, मादक पदार्थ के सेवन से रोके। अनुच्छेद 48 राज दूध देने वाली पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण
गौ संरक्षण के लिए काम करे और उदार बौद्धिक विचारधारा से संबंधित कौन सा हुआ? तो गांधीवादी अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48 उदार बौद्धिक बात होता है राजसमान नागरिक संहिता को लागू करे जो गोवा छोड़कर कहीं लागू नहीं है। 45 राज 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करे। 48 राज कृषि का विकास करे। 48 ए राज प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण को सुरक्षित रखने का प्रबंध करे। अनुच्छेद 49 राज राष्ट्रीय स्मारक ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा का प्रबंध करे। 50 राज कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथकीकरण पावर ऑफ सेपरेशन की नीति को अपनाए। 51 राज वैदेशिक नीति स्वस्थ वैदेशिक नीति वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित वैदेशिक नीति को लागू करे। ये तीन कैटेगरी है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी, तीनों को ये 4 बार संशोधन किया गया। किसमें किसमें जोड़ा गया वो भी आपको स्पष्ट कर दिया गया। साथ ही राज का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो विवाद रहा, तो पहला विवाद रहा चंपक दो राजन विवाद। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार बेसिक क्षेत्र है, यदि राज का नीति निर्देशक तत्व पर आवश्यकता हो तो मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में चाहे राज का नीति निर्देशक तत्व को ही प्रभावी बनाना हो, मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन संसद नहीं कर सकता है। फिर आया केशवानंद भारती विवाद, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार सहित किसी भाग में परिवर्तन कर सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं हो। और फिर आया मिनरवा मिल विवाद, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अर्थात चंपक दुराजन विवाद को यहाँ उलट दिया, कहा कि मौलिक अधिकार बेसिक लक्षण है लेकिन मौलिक अधिकार पर राज का नीति निर्देशक तत्व को या राज का नीति तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। ये विवाद इसलिए भी हो गया था कि 42वां संविधान संशोधन में जहाँ चंपक दुराजन विवाद में कहा था कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट प्राथमिक तत्व है, तो राज का नीति निर्देशक तत्व पर मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जा सकती है, जबकि 42वां संविधान संशोधन में दिया गया कि राज का नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। तो मिनरवा मिल विवाद में 42वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया, कहा कि मौलिक अधिकार पर राज का नीति निर्देशक तत्व को प्रधानता नहीं दी जा सकती है, लेकिन अपवाद है अनुच्छेद 39 का दूसरा और अनुच्छेद 39 का तीसरा पॉइंट, जहां इसे मौलिक अधिकार पर आज भी प्राथमिकता प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ विवाद, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन और राज का नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ विवाद, राज का नीति निर्देशक से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकवादी, तमाम तथ्य से आपके सामने पूरी विश्लेषणात्मक तरीके से तार्किक रूप से और सरलता के साथ आपके सामने उसे रखा गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाई बेहतर लगी होगी, और यदि ऐसा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।